अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं शिवराज सिंह चौहान का पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया। आज स्थानीय भोपाल चौराहा पर भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के जिलाध्यक्ष श्रीकांत चौहान एवं पूर्व जिलाध्यक्ष हर्ष प्रताप गौड़ के नेतृत्व में तानाशाह मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पुतला दहन किया। युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष जितेंद्र सिंह गौड़ ने बताया, गुरुवार को देवी अहिल्या बाई विश्वविद्यालय इंदौर में परीक्षा परिणाम में त्रुटि अनियमितता के चलते हुए मप्र में हो रहे भर्ती घोटाले के विरोध में शांतिपूर्ण तरीके से विश्वविद्यालय का घेराव किया जा रहा था, तभी शिवराज सिंह चौहान की मध्य प्रदेश सरकार के इशारों पर पुलिस द्वारा बर्बरता पूर्वक छात्र छात्राओं पर लाठी चार्ज किया गया एवं वाटर कैनन की बौछार से सैकड़ों विद्यार्थी घायल हुए। एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष जी चोकसे एवं एनएसयूआई कार्यकर्ताओं व छात्रों को गंभीर चोट आई। सैकड़ों कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया, जिसके विरोध में तान देवास एनएसयूआई कार्यकर्ताओं द्वारा पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया। मांगते नहीं किसी से भी मांगते।
पुतला जलन दहन किया है, किस कारण से जलाए गए? कल NSUI द्वारा इंदौर में TAVA के लिए निम्न मांगों के लिए TAVA का घेराव किया था, जिसमें शिवराज सरकार द्वारा पुलिस प्रशासन द्वारा जिसे बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया है, वाटर कैनन द्वारा वाचार की है, उनके विरोध में आज पूरे भारत में, पूरे मध्य प्रदेश में, ना कि विश्व के सबसे बड़े छात्र संगठन NSUI द्वारा शिवराज सिंह चौहान का पुतला दहन किया गया है। तो आज कितने पुतले जलाए आपने? आज हमने 3 पुतले दहन किए हैं, जिसमें पुलिस द्वारा जिला की गई। आपका नाम? श्रीकांत चौहान, जिला अध्यक्ष NSUI।